सो हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे IPFS काम करता है, हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के मदद से। ओके तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा दिखाया है कैसे IPFS काम करते हैं एंड किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक रिएक्ट ऐप को इनिशलाइज कर लेंगे। तो इसको करने के लिए NPM क्रिएट देन हमारा वीट, ओके देन वीट का लेटेस्ट एंड ये हमारे लिए एक ऐप क्रिएट करके देगा। ओके इसको हमारा पैकेज का नेम होगा, मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हम लोग रिएक्ट को चूज़ कर रहे हैं एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ओके देन डन। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा NPM I जो हमारा डिपेंडेंसीज होगा उसको हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी जो हमारा एक्सियोस है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, NPM I एक्सियोस देन डन। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक सिंपली पिनाटा के अंदर एक हमारा अकाउंट क्रिएट करना होगा। ओके हमने पहले ही कर लिया था इसीलिए ये हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको जाना है पिनाटा क्लाउड एंड पिनाटा क्लाउड के अंदर जाने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है एक। एंड इसके अंदर आपको सिंपली स्टार्ट बिल्डिंग और लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद ये हमारा डायरेक्टली इधर आ जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉग इन किया है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसके अंदर हमारा लॉग इन एंड साइन अप होगा। तो आपको सिंपली साइन अप कर लेना है अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा, एंड अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको पता ही है लॉग इन। एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ इसके अंदर लॉग इन कर लेता हूँ। तो लॉग इन हो जाने के बाद आपको सिंपली जाना होगा API कीज के अंदर। ओके API कीज के अंदर आपको न्यू कीज के अंदर क्लिक करना है। अभी आपको सिंपली पहला जो एडमिन का जो टॉगल है उसको ऑन कर देना है एंड आपका एक नेम देना होगा, की का नेम। तो मैं देता हूँ IPFS ट्यूटोरियल एंड क्रिएट। तो ये क्रिएट होने के बाद ये आपको कुछ कीज एंड सीक्रेट की जो API का की होता है वो आपको दिखाएगा। आपको सिंपली उसको कॉपी कर लेना है एंड मैं क्या करता हूँ नोट पैड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके एंड ये हमारा एक्सियो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्लियर एंड NPM रन डेव। ओके तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपली रिलोड कर लेंगे हमारा। तो ये कुछ हमारा इनिशियलाइज ऐप ऐसा दिखाई देता है। तो हम लोग पिनाटा यूज कर रहे हैं, तो पिनाटा क्या है मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। तो पिनाटा क्लाउड है हमारे लिए एक फास्ट एंड रिलायबल IPFS मैनेजमेंट टूल। ओके तो इसके अंदर हम लोग हमारे डेटा को रख सकते हैं जो हमारा डिसेंट्रलाइज डेटा होगा एंड हम लोग उसको फेच कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस पिनाटा के अंदर। तो इसीलिए हम लोग इस पिनाटा को यूज करने वाले हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा ऐप इनिशियलाइज हो चुका है एंड हम लोग जाएंगे हमारे ऐप के अंदर एंड हम लोग जाएंगे index.css, उसको सब हटा देंगे हम लोग एंड app.css एंड हम लोग सब हटा देंगे एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे app.jsx के अंदर जाएंगे। ओके मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके नाउ हमारे पास जो कुछ भी है मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। ओके डन, मैं इधर एक div लिख देता हूँ, हो गया। हम लोग इसके अंदर एक H1 मैं ओपन कर लेता हूँ एंड लिखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ लाइक IPFS ट्यूटोरियल। ओके अपलोड योर फाइल लाइक दिस एंड हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक हमारा फॉर्म होगा। ओके एंड फॉर्म के अंदर हमारा एक इनपुट होगा। इनपुट क्या होगा, हमारा फाइल इनपुट होगा क्योंकि हम लोग एक इमेज को या एक फाइल को हम लोग IPFS के अंदर डालने वाले। ओके तो हमारा फाइल होगा टाइप एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं एक बटन लगा सकते हैं, बटन सबमिट बटन लाइक अपलोड लाइक दिस। एंड तो हम लोग अगर इनपुट के अंदर कुछ भी अगर फाइल मैं देता हूँ तो ये सिंपली स्टोर हो जाना चाहिए। तो कैसे, ऑन चेंज, मैं ऑन चेंज के अंदर ई लेता हूँ, ई होगा हमारा इवेंट एंड सेट फाइल
सेट फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एंड जीरो, मतलब हमारा जीरोथ इंडेक्स के अंदर जो फाइल होगा हम लोग उसको लेने वाले हैं। ये हमारा मल्टीपल फाइल सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक फाइल सिलेक्ट करेगा जो है हमारा जीरोथ इंडेक्स के अंदर। तो अभी तक हमने इस सेट फाइल को नहीं बनाया, आपको सिंपली ये बना लेना है कॉन्स्ट फाइल सेट फाइल। इसको मैं सिंपली ऐसे कर देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। एंड मैं अगर वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने देख लिया ये कैसे काम करेगा। ओके, तो अगर मैं सबमिट के अंदर क्लिक करूँ तो ऑन सबमिट, इससे ऑन क्लिक, ओके ऑन क्लिक हमारा हैंडल सबमिट, ओके ये हमारा हैंडल सबमिट एक फंक्शन होगा जिसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल सबमिट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड डन। ओके मैं सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ हमारे फाइल को। ओके तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल मैं इधर डाल देता हूँ। ओके इस बैटमैन का फाइल मैं डाल देता हूँ एंड अपलोड। तो ये हमारा फाइल शो कर रहा है। तो एक्चुअली में ये हमारा काम कर रहा है बहुत इजी तरीके से। एंड हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो फाइल है उसको अभी हम लोगों को अपलोड करना होगा। ओके तो अपलोड कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हमारा जो कीज था पिनाटा का, जो कि हमने कॉपी करके रखा था इधर, ये जो कीज है उसको हम लोग यूज करने वाले। तो कैसे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस हैंडल सबमिट से इसको हटा देता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ एक ट्राई कैच का एक ब्लॉक बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो एक ट्राई करूँगा कुछ करने का, अगर ये ना हो तो मैं सिंपली उस एरर को मैं कॉन्सोल कर दूंगा। ओके सिंपल चीज़ है ये हमारा ट्राई कैच। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्स्ट फाइल से फाइल डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा लाइक फाइल डेटा डॉट अपेंड। मैं इसके अंदर फाइल के अंदर अपेंड करने वाला हूँ हमारे जो फाइल का, जो फाइल हमने अपलोड किया था, जो फाइल हमने इधर स्टोर किया था उसको मैं सिंपली अपेंड करने वाला हूँ। ओके अपेंड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डाटा इज इक्वल टू अवेट। ओके एक्सियोस, ओके हम लोग एक्सियोस को यूज करने वाले, एक्सियोस के अंदर हम लोग पोस्ट करने वाले हमारे इमेज को। ओके तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इधर मैं मेथड हमारा पोस्ट होगा, देन यूआरएल कौन से यूआरएल के अंदर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो हमारा यूआरएल होगा https एंड api डॉट पिनाटा डॉट क्लाउड देन पिनिंग देन पिन फाइल टू IPFS। तो ये हमारा URL है, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये दिया हुआ होता है पिनाटा के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग await को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को इधर async बनाना होगा इस फंक्शन को। तो async await एंड हम लोगों ने URL डाल दिया है, अभी हमारा डेटा जाएगा, डेटा होगा हमारा फाइल डेटा एंड इसका हेडर, हेडर के अंदर हम लोग भेजेंगे पिनाटा का API की, पिनाटा API की जो हमारा की होगा एंड देन हमारा पिनाटा का सीक्रेट की एंड हम लोग सीक्रेट की को भी भेजेंगे। तो अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम लोग इसको बाद में डाल देंगे। हमारा कंटेंट टाइप क्या होगा, कंटेंट टाइप हमारा मल्टीपल फॉर्म डेटा एंड डन। तो अभी हमने ये दो सीक्रेट की को हमने अभी तक नहीं डाला, उसको डालने के लिए आपको सिंपली जाना होगा फाइल के अंदर, रूट फाइल के अंदर आपको क्रिएट करना होगा डॉट env। ये सीक्रेट की है मतलब इसको हम लोगों को env फाइल के अंदर डालना होगा। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल बना लिया है, एक पिनाटा का सीक्रेट की एंड पिनाटा का API की। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा API की है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड API की के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, उसके बाद हमारा सीक्रेट की एंड मैं इसको सिंपली इधर डाल देता हूँ। ओके डन। एंड आपको याद रखना है कि अगर आप वीट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वीट लिखना होता है। ओके वीट देन डैश मतलब अंडरस्कोर देन आपका API का जो कुछ भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो। तो वीट हमारा लगाना ज़रूरी होता है।
ठीक है, वीट के अंदर। ओके तो अभी हम लोग इसको यूज करने वाले, इसको यूज करने के लिए इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन वी डॉट वीट ए पी आई की, देन इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट वीट का जो हमारा नेम था मैं इसको डाल देता हूँ सिंपली, एंड ये हमारा डन हो चुका है। अभी अगर मैं इसको, तो इधर एक्चुअली कॉमा होता है हमारा, तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो अभी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है क्योंकि हमने इधर हमारे हेडर के अंदर ये चीज़ नहीं दिया है, एंड ये हमारा एरर चला जाएगा। ओके तो ये हमारा सक्सेसफुली डन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा होगा उसके अंदर हमारा कुछ डेटा होगा, मतलब हमारा यू आर एल होगा, मतलब हमारे फाइल किधर अपलोड हुआ है उसका एक यू आर एल होगा। ओके तो उस यू आर एल को आप लोगों को फेच करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक कॉन्स्ट फाइल यू आर एल इज इक्वल टू, तो फाइल का हमारा यू आर एल होता है https गेटवे डॉट पिनाटा डॉट क्लाउड स्लैश ipfs स्लैश, एंड देन हमारा रिस्पॉन्स डाटा डॉट डाटा डॉट आई पी एफ एस हैश, ये जो हमारा हैश होगा हमारे फाइल के अंदर, वो हैश को हम लोगों को चाहिए होगा, एंड उस हैश को हम लोग इस यू आर एल के बाद में लगा देंगे, एंड सिंपली ये काम करने लग जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग एंड फाइल यू आर एल, हम लोग हमारे फाइल यू आर एल को देखने वाले कैसे काम करता है। ओके तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड मैं सिंपली जाता हूँ हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर, एंड ये रिएक्ट ऐप हमारा एक्चुअली में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल को डालेंगे, तो हमारा ये बैटमैन का जो फाइल है दिस सिटी नीड्स मी, तो हमारा फेमस डायलॉग, तो ओपन एंड अपलोड, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप अगर चाहते हो तो थोड़ा बहुत लोडर वगैरह लगा सकते हो। तो ये हमारा एक यू आर एल हम लोगों को मिल चुका है, एंड अगर हम लोग इसके अंदर क्लिक करें तो ये हमारा फाइल ओपन होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है पहली बार ओपन करने के लिए। तो ये हमारा इमेज आई पी एफ एस के अंदर स्टोर हो चुका है, क्योंकि हम लोग देख भी सकते हैं जो हमारा एड्रेस बार है उसके राइट के अंदर आई पी एफ एस लिखा हुआ आ रहा है। ओके तो बहुत ईजी एक वे होता है हम लोगों को पिनाटा ऑफर्स करता है, क्योंकि पिनाटा के मदद से ही हम लोग आई पी एफ एस बना सकते हैं इधर, एंड बहुत सारे वेबसाइट्स हैं लेकिन पिनाटा उसमें से बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। पिनाटा एक्चुअली में बहुत ईजीली काम करता है। अगर मैं फाइल्स के अंदर जाऊँ तो आप लोगों को दिखाई देगा ये हमारा फाइल है, एंड फाइल का जो हैश है, ये जो हैश है वो एक्चुअली हमारा ये है, ये वाला हैश जो हमने इधर लिखा था, जो हैश हमने इधर लिखा था ये हमारा हैश हम लोग को रिटर्न करता है ना, हम लोग उस हैश को इस वाले गेटवे मतलब इस वाले यूआरएल के अंदर लगा देते हैं, एंड सिंपली हम लोगों को फाइल मिल जाता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि लाइक कॉन्स्ट फाइल यूआरएल सेट फाइल यूआरएल, सेट फाइल यूआरएल के अंदर मैं सिंपली फाइल यूआरएल URL एंड ये हमारा फाइल URL सेट हो जाएगा, एंड मैं सिंपली इसको इस तरीके से शो कर सकता हूँ लाइक फाइल URL, एंड अगर फाइल URL होगा तो मैं एक ए टैग बना दूंगा, ए टैग के अंदर हमारा फाइल URL आ जाएगा, एंड हमारा href हो जाएगा हमारा फाइल का URL, फाइल URL, एंड देन हम अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक एक ब्लैंक पेज के अंदर ओपन होना चाहिए, एंड ये हमारा सिंपली काम करने लग जाएगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड चूज फाइल, मैं एक दूसरा फाइल चूज करता हूँ, मैं ये न्यूमोनिया का एक फाइल चूज कर लेता हूँ, एंड अपलोड, तो ये हमारा थोड़ा बहुत टाइम लेगा, एंड उसके बाद हम लोगों को एक यू आर एल रिटर्न कर रहा है। ओके मैं अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो या देख सकते हो आप कि सिंपली हमारा जो चेस्ट का जो इमेज है हमारा एक्सरे इमेज वो दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने डेटा सेट को डाउनलोड किया था, उसमें से एक इमेज है हमारा,
तो ये हमारा सही से काम कर रहा है, मतलब आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आपको शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय द लाइफ।